इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में फार्मेसी बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले तो आपकी जो शॉप होनी चाहिए या प्रमिसिस जो होनी चाहिए वो एक प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए। आपकी सेल, आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपकी इनकम, बहुत कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेडिकल शॉप है या जो प्रमिसिस है वो कहाँ पे है। दूसरी चीज़ है आप अरेंजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट। अगर आप खुद फार्मासिस्ट है तो ठीक है, नहीं तो आपको फार्मासिस्ट की ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। जो आपकी शॉप है, जो प्रमिसिस है, जहाँ पे आप रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो 100 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट होना चाहिए। उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जो उसकी वॉल्स होनी चाहिए वो सीमेंटेड होनी चाहिए, फ्लोर भी सीमेंटेड होना चाहिए। जो उसकी रूफ होनी चाहिए वो कंक्रीट की होनी चाहिए, नहीं तो नहीं मिल पाएगा ड्रग लाइसेंस आपको। आप एरिया में रिसर्च करिए, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, कितने डॉक्टर है, क्या लिखते हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स हैं उनकी, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स लोकेटेड है, कहाँ कहाँ से आपका अरेंजमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी बिजनेस शुरू करने से पहले ज़रूरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे फार्मेसी बिजनेस के लिए। अप्लाई आप कहाँ पे कर सकते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस, ये ड्रग अथॉरिटी जो होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो ही ड्रग लाइसेंस इशू करती है। आपको वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा, या तो ड्रग इंस्पेक्टर हो सकता है या कोई गवर्नमेंट का अथोराइज पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है ड्रग लाइसेंस के लिए, वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस के लिए। उसके बाद बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, फार्मेसी बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको लगेंगे। इसके साथ एप्लीकेशन आप ड्रग ऑफिस में जमा कराएंगे एक एप्लीकेशन फ़ीस के साथ, और आपको एक जो पैटर्न होता है एप्लीकेशन फॉर्म का वो फिल आउट करना पड़ेगा कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी होती है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लगेगी, उसकी लेटेस्ट फीस रिसिप्ट भी लगेगी साथ में उसकी कॉपी, उसकी एकेडमिक सर्टिफिकेशन जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी, फार्मा है, डी फार्मा है, 10th का, 12th का फार्मा डी है, वो सारे वो लगेंगे। उसके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, और जो फीस होगी जो भी लाइसेंस के लिए उसकी कॉपी, जो भी उसकी रिसिप्ट वगैरह लगेगी साथ में, एफिडेविट लगेगा, फार्मासिस्ट का भी लगेगा और फार्मेसी के ओनर का भी लगेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स के लगेंगे, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का लगेगा। अगर आपकी ओनर खुद की शॉप है तो ओनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट आपको जमा कराना पड़ेगा साथ में। परचेज बिल, रेफ्रिजरेटर का परचेज बिल साथ में लगेगा, आपने परचेज किया हुआ है या उसका बिल जो भी आप लगा सकते हैं। पार्टनरशिप डीड और एड्रेस प्रूफ आपके लगेंगे, प्रोप्राइटर का भी, पार्टनर्स के भी, या क्या कहते हैं फार्मासिस्ट के भी, वो सारे उसके साथ लगेंगे। फार्मासिस्ट की इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर कॉपी भी लगेगी और अफिडेविट भी लगेगा फार्मासिस्ट का। ब्लूप्रिंट लगेगा, ब्लूप्रिंट की कॉपी लगेगी, जो आपकी लेआउट है उसके बगल बगल में क्या है, परमिसिस का है, क्या एरिया है, कहाँ कहाँ क्या सिचुएटेड है, वो सब कुछ लगेंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स सबमिशन जब आप कर देंगे, फिर इंस्पेक्शन की बारी आएगी। ड्रग इंस्पेक्टर या सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी अथॉराइज्ड पर्सन जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, वो आपकी परमिसिस को आके इंस्पेक्ट करेगा, कहाँ पे लोकेटेड है, कितना एरिया है, जो जो रिक्वायरमेंट जो जो आपने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो सब कुछ वो चेक करेगा। फार्मासिस्ट की प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है। अगर सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग पाया जाता है, तो आपको ड्रग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, नहीं तो फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। अमेंडमेंट जो चेंजेस चाहिए उसके लिए आपको रिटर्न कर दी जाएगी कि आप चेंज करके उसको दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी। इन्वेस्टमेंट लोकेशन और लोकेलिटी पे डिपेंड करती है, कहाँ पे कितना रेंट है, कितना नहीं है, हर जगह पे अलग अलग होता है, तो उस पे डिपेंड करता है बहुत सारे, कहाँ एरिया है, मेट्रो सिटी है या सिंपल छोटी सी सिटी है, गाँव है, ये सारी चीज़ें। आपकी खुद की शॉप है या रेंटेड है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। शॉप खुद की है तो उसकी परचेज कॉस्ट भी हम ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली स्टार्टअप एक रेंटेड परमिसिस में ही शुरू किया जाता है, तो रेंट एग्रीमेंट को हम लगा के चलेंगे उसमें, जो रेंट होगा वो हम उसमें लगा लेंगे। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रेंट आएगा साथ में, सैलरी ऑफ फार्मासिस्ट
जो सैलरी फार्मासिस्ट लेता है, अगर आप ख़ुद फार्मासिस्ट नहीं है तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में ही ऐड करेंगे। उसके बाद फर्नीचर, फिटिंग, टेबल्स, जो भी एसेसरीज आपको चाहिएगी, कंप्यूटर वगैरह जो चाहिएगा उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा, साथ में रेफ्रिजरेटर कॉस्ट की लगेगी, रेफ्रिजरेटर जितने का आपने परचेज किया हुआ है, जो लाइसेंस की फ़ीस होगी, डॉक्यूमेंटेशन पे जो खर्चा होगा वो सारा भी इन्वेस्टमेंट में आएगा। जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिनका मतलब पता नहीं होता, वो भी हम आपके इन्वेस्टमेंट में ही ऐड करेंगे। ये जो हमने सारे एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट जो ऐड किए हैं विदाउट परचेजिंग ड्रग किए हुए हैं, ड्रग जो परचेज होगा वो अलग होगा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपने कितना वैरायटी कितना ख़रीदा है, या कौन सा मेडिसिन कितनी महंगी है, कितना स्टॉक खरीदा है, कितना आप शुरू करना चाहते हैं, वो वेरी करेगा। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करके, सब कुछ ऐड करके आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि आपकी एक ड्रग रिटेल लाइसेंस के लिए, फार्मेसी लाइसेंस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जनरल 16-20% होता है, विद स्कीम ऑफर भी होते हैं कंपनी जो देती रहती है, वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, OTC में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कंपनी ज़्यादा ऑफर देती है ताकि ज़्यादा बिके, जेनरिक्स में कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है जेनरिक्स मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उनके रेट कम होते हैं तो MRP के हिसाब से मार्जिन ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा इंडिया में फार्मेसी और केमिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में, फूड सप्लीमेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में भी काम करती हैं, उनमें भी मार्जिन और जो होता है वो वैरी करता है। अब बात करते हैं और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर हो सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर आप रिटेल ड्रग लाइसेंस या फार्मेसी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा FSSAI रजिस्ट्रेशन भी एप्लीकेबल होता है, अगर आप फूड सप्लीमेंट भी साथ में बेच रहे हैं, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन या जो भी बेच रहे हैं, तो आपको ले FSSAI रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी हो सकता है। शॉप रजिस्ट्रेशन आपके एरिया में एप्लीकेबल है या नहीं, आपको दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप उसका करा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप अपना फार्मेसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आप हमें किसी भी क्वेरी और सजेशन के लिए pharmafranchisehelp@gmail पे मेल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.pharmafranchisehelp.com पे। थैंक यू वेरी मच।